हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र की भी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये पांचवी क्लास है जिसमें मैं आपको प्रीव सिर की ट्यूशन करवा रहा हूँ। 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबीजेई में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ भैया। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है, प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको तंत्रिका कोशिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ में तंत्रिका कोशिका की संरचना पढ़ाने वाला हूँ, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, तंत्रिका कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका के कौन कौन से भाग है, सारी चीज आज के इस क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। इसलिए भैया सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये लेक्चर नंबर 5 है। पिछली 4 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जन शताब्दी एक्सप्रेस ब्रिज का, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करने वाले हैं भैया हम क्वेश्चन नंबर 22 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 तक लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। पिछले 4 क्लासों में मैंने सिर्फ 21 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन 21 क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से कराया है कि आप कभी भी नहीं भूलने वाले उन 21 क्वेश्चनों को। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है, और प्रत्येक क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट से करवाते हैं, इसलिए भैया भूलने का सवाल ही नहीं है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यह रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। शुरुआत के 2 क्वेश्चन है, वैसे तो ये कंकाल तंत्र में पढ़ने वाला क्वेश्चन है, लेकिन भैया यहाँ पर दिया हुआ है, कोई बात नहीं है तो मैं आपको करवा देता हूँ। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन के बाद में हम तंत्रिका कोशिका की संरचना पढ़ने वाले हैं, तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए वीडियो को छोड़ करके मत जाना भैया। लास्ट के जो क्वेश्चन है, यकीन मानिए इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तंत्रिका कोशिका से पूछे जाते हैं। अगर आज की क्लास आपने देख ली तो आज के बाद में तंत्रिका कोशिका से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भैया पिन्ना किसका बाह्य भाग है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 नाक, ऑप्शन नंबर 2 है कान, ऑप्शन नंबर 3 है आंख, ऑप्शन नंबर 4 है अंगुलियां। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 8/10/2018। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो कान का जो बाहरी भाग है, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा उपास्थि का बना हुआ होता है, इसमें बोन नहीं पाए जाते, ठीक है। तो इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, इस वाले भाग को कहा जाता है पिन्ना, जो आपको दिखाई देता है, और इसका काम क्या है, आसपास की जो ध्वनि होती है उन्हें ग्रहण करने का काम करता है। तो किसका बाहरी भाग है ये पिन्ना, तो याद रखना कान का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 कान। अब कान से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कान में 3 हड्डी होती है, कान का जो मध्य वाला भाग होता है, इस मध्य भाग में 3 अस्थि होती है। कितनी अस्थि होती है, 3 अस्थि होती है, 3 बोन्स होती है। पहली जो होती है वो होती है मेलियस, दूसरी होती है इनकस, और तीसरी होती है स्टेपीज, जिसके बारे में आप सभी जानते हो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आप तुरंत बता दोगे कि भैया कान की जो होती है वो होती है स्टेपीज, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। आप में से सबको याद है ये क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर है, जांघ की हड्डी, पैर की हड्डी, लेकिन सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज है भैया, जो कि हमारे कान में पाई जाती है और कान के मध्य भाग में पाई जाती है स्टेपीज। ये क्वेश्चन आप सबको ध्यान है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके बारे में हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और यह भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग उस चीज को जानते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मानव शरीर में ऐसी कौन सी हड्डी है जिसका आकार हथौड़े के समान होता है, हेमर जो होता है ना, हेमर हथौड़ा, उस हथौड़े के समान किस हड्डी का आकार होता है, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपसे राजस्थान लेवल स्टैंड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा से दोहराता हूं। मानव शरीर की ऐसी कौन सी हड्डी है जिसका आकार हथौड़े के समान होता है, तो भैया वो हड्डी है आपकी मेलियस।
हथौड़े के समान इस अस्थि का आकार होता है, इसलिए इसे फेमर बोन कहा जाता है, इसलिए इसे फेमर अस्थि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेमर अस्थि कहा जाता है। कितनी बात क्लियर है? तो बस ये छोटी सी चीजें आप सबको आती है, याद रखना है। वैसे कंकाल तंत्र में हमने कान के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 8/10/2018 को पूछा गया है। अब इस चैप्टर में लिखवा रखा है तो भैया मैंने सोचा करवा दे, मेरे पास एक बुक है उसमें पढ़ा हुआ है। ठीक है भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी इसी पर आधारित है, उसको भी मैं करवा देता हूँ, उसके बाद में हम तंत्रिका कोशिका से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने? ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मानव कान का कौन सा भाग आसपास की ध्वनि ग्रहण करता है, कौन सा भाग करता है। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था कि कान का जो बाहरी भाग होता है जिसे हम पिन्ना कहते हैं, ये हमारे आसपास की ध्वनि को ग्रहण करने का काम करता है। ठीक है, ये उपास्थि का बना हुआ होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पिन्ना। आरआरबी जेईई में पूछा गया 30/8/2019। ठीक है मेरे भाई, किसी को प्रॉब्लम रहता है? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करने वाले हैं भैया तंत्रिका कोशिका की। आज की इस क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि नीचे दी गई कोशिका को पहचान, आपको पहचानना और इसका राइट आंसर देना है कि भैया इसका राइट आंसर क्या हुआ। सॉरी, देखिए भैया, ये कोशिका दी गई है, आपको पहचानना है कि भाई ये कोशिका की संरचना है, किस कोशिका की संरचना है। आपके ऑप्शंस है, क्या ये वृक्क कोशिका की संरचना है, वृक्क किडनी को कहा जाता है, क्या ये किडनी की कोशिका की संरचना है, क्या ये पेशीय कोशिका की संरचना है, क्या ये अस्थि कोशिका की संरचना है, क्या ये तंत्रिका कोशिका है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 28/9/2022। अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका कोशिका। आइए तंत्रिका कोशिका के बारे में समझते हैं। तंत्रिका कोशिका, इसे न्यूरॉन सेल के नाम से भी जाना जाता है, न्यूरॉन सेल। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई तंत्रिका कोशिका क्या है, देखिए जो मैं आपको आज बातें बताने वाला हूं अगर आपने उनको ध्यान से समझ लिया और ध्यान से सुन लिया तो आज के बाद में इस तंत्रिका कोशिका से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस न्यूरॉन से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं उन चीजों को आपको यही याद करना है, नहीं तो फिर भैया ढूंढते फिरोगे। देखो तंत्रिका कोशिका क्या है, सबसे पहले याद रखना है कि इस चैप्टर का नाम क्या है, तंत्रिका तंत्र। तो इस तंत्रिका तंत्र की ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया तंत्रिका तंत्र की, जो तंत्रिका तंत्र होता है इसकी जो क्रियात्मक और वह संरचनात्मक इकाई कौन सी है, संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो क्या बताओगे? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका। अगर आपको ये लाइन याद हो गई तो उसका मतलब यह है कि आपका एक नंबर पक्का हो गया। दोबारा से रिपीट करता हूं, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल होती है। पहली बात क्लियर है, आ गया समझ में, किसी को प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं चाहिए। अब बात आती है कि काम क्या है इसका, किसी भी प्रकार के मैसेज को या सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करता है, कौन? ये तंत्रिका कोशिका। मैंने क्या कहा, किसी भी प्रकार के मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये आपकी तंत्रिका कोशिका। व्हाट्सएप देखा है? व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे हम किसी को मैसेज करते हैं हाय, तो उसके पास पहुंच जाता है जिसके पास हमने मैसेज किया है।
तो व्हाट्सएप का क्या काम हुआ, एक इंसान से दूसरे इंसान तक मैसेज को पहुंचाना, वैसे ही एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज को पहुंचाने का काम कौन करता है? ये तंत्रिका कोशिका करता है, ये न्यूरॉन से करता है, ये न्यूरॉन करता है भैया। किसी को प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। तो मैं लिख देता हूं, किसी भी प्रकार के सिग्नल को किसी भी प्रकार के सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का कार्य कौन करता है? आपकी तंत्रिका कोशिका। किसी भी प्रकार के सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम कौन करता है? भैया आपकी तंत्रिका कोशिका, आपका न्यूरॉन करता है। बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि मान लीजिए इस हाथ से सिग्नल इस यहां से लेकर के आपके ब्रेन तक पहुंचाना है, तो कौन लेकर के जाएगा? इस हाथ से अगर सिग्नल लेकर जाना है ब्रेन तक, तो कौन लेकर के जाएगा? इस तंत्रिका कोशिका तक, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी प्रकार का सिग्नल हो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम कौन करता है? तंत्रिका कोशिका करता है। वापस अगर ब्रेन से इसी ही जगह पर अगर सिग्नल लेकर के आना है, तो कौन लेकर के आएगा? ये तंत्रिका कोशिका ही लेकर के आएगी, ये न्यूरॉन से ही लेकर के आएगी। इतनी बात क्लियर? किसी को प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो, ये जो सिग्नल जाता है ना, ये जो मैसेज जाता है, ये जो संदेश जाता है, ये दो अवस्थाओं में जा सकता है। एक इलेक्ट्रिकल भी जा सकता है, इलेक्ट्रिकल के रूप में भी जा सकता है, और ये केमिकल के रूप में भी जा सकता है। ये इलेक्ट्रिकल के रूप में भी जा सकता है, ये केमिकल के रूप में भी जा सकता है। अब भाई हमें समझ में नहीं आया कि भैया ये इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या है और ये केमिकल का मतलब क्या है। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस जगह पर मैंने ये पेन चुबोया, देखो इस जगह पर मैंने पेन चुबोया, तो मेरा ध्यान नहीं, किसी ने अचानक आकर के यहां पर पेन चुबोया, तो मुझे दर्द का एहसास हुआ, दर्द का एहसास हुआ, तो यहां से मेरे ब्रेन तक एक सिग्नल जाएगा, तो वो जो सिग्नल जाता है वो इलेक्ट्रिकल के रूप में जाता है। किस रूप में जाता है मेरे भाई? वो इलेक्ट्रिकल के रूप में जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब भैया केमिकल के रूप में, रसायन के रूप में किस तरीके से जाएगा? जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ, किसी ने पीछे से आकर के मुझे डराया लेकिन मुझे टच नहीं किया, पीछे से आकर मुझे किसी ने डराया लेकिन मुझे टच नहीं किया, तो भैया आपके ब्रेन तक सिग्नल तो गया, तो वो सिग्नल किस रूप में जाता है मेरे भाई? वो सिग्नल केमिकल के रूप में जाता है। अगर किसी जगह पर आप खड़े हो, जैसे कि मान लीजिए नीचे एक खाई है और उसके जस्ट ऊपर एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर आप खड़े हो, किसी ने अचानक आपको आकर के डरा दिया, तो आप डर जाओ, तो आपके ब्रेन के पास तुरंत सिग्नल जाता है। वो किस रूप में जाता है? वो केमिकल के रूप में जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं बैठा हूं, कोई दूर से एक इंसान मुझे लगातार देख रहा है, लगातार देख रहा है मेरे भाई, वो नजर ही नहीं तोड़ रहा है, तो भैया मेरे ब्रेन तक एक सिग्नल जाता है कि यार वो मेरी तरफ क्यों देख रहा है, कुछ ना कुछ तो रीजन हो सकता है। वो केमिकल के फॉर्म में वो सिग्नल जाता है। जब आपके बॉडी पर टच होता है तो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में सिग्नल जाता है, लेकिन जब वो टच नहीं होता है तो केमिकल के फॉर्म में सिग्नल जाता है। इतनी बात क्लियर है? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि तंत्रिका कोशिका क्या है, तो बता देना तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है जो किसी भी प्रकार के सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में सहायता करती है। सिग्नल जो होता है वो दो प्रकार से जा सकता है, एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और एक केमिकल फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कब जाएगा? जब आपकी बॉडी पर टच होगा तब, लेकिन जब हमारे बॉडी पर टच नहीं हो रहा है तो केमिकल के फॉर्म में सिग्नल जा सकता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं चाहिए। अब देखो, तीन प्रकार का होता है भैया ये तंत्रिका कोशिका, तीन प्रकार की होती है। एक होती है सेंसरी न्यूरॉन। भाई ये जो तंत्रिका कोशिका है, ये जो न्यूरॉन सेल है, ये तीन प्रकार के होती है। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, पहला कौन सा है? सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा कौन सा है? दूसरा है मोटर न्यूरॉन। और तीसरा कौन सा है? इंटरमीडिएट न्यूरॉन।
ये तीन प्रकार का होता है भैया आपका न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन कह दीजिए, इंटरमीडिएट न्यूरॉन कह दीजिए। जो सेंसरी न्यूरॉन होता है ये क्या काम करता है, तो आपके शरीर के ऑर्गन से, आपके शरीर के अंगों से अगर ब्रेन तक सूचना जा रही है, देखो आपके शरीर के अंगों से आपके ब्रेन तक सूचना जा रही है तो किस न्यूरॉन की सहायता से जाएगी, सेंसरी न्यूरॉन की सहायता से जाएगी। अगर इस अंगुली पर मैंने ऐसे मारा या सुई चुभोई या कील चुभोई, मैंने कुछ भी किया तो आपके ब्रेन तक एक सिग्नल गया कि नहीं, तो वो किस न्यूरॉन की सहायता से जाएगा, वो सेंसरी न्यूरॉन की सहायता से जाएगा। लेकिन आप सभी को पता है जब आपका पैर में कांटा लग जाता है तो आप तुरंत पैर को हटा लेते हो, तो जैसे ही आपके पैर में कांटा लगा तो आपके पैर से एक सिग्नल आपके ब्रेन तक गया कि भैया कुछ ना कुछ चीजें चुभ रही है, तो जाएगा वो किसकी सहायता से जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन की सहायता से। लेकिन वापिस एक सिग्नल और आता है आपके पैर के पास आपके ब्रेन से कि भैया पैर को ऊपर उठा ले ताकि कि कांटा नीचे रह जाए और आपका पैर बच जाए। तो आपके ब्रेन से वापिस जो सिग्नल आता है आपके ऑर्गन्स के पास, वो आता है भैया मोटर न्यूरोन की सहायता से, वो आता है मोटर न्यूरोन की सहायता से। तो अब तक मैंने आपको दो न्यूरोन के काम बताए, तीन प्रकार का होता है ये न्यूरोन, दो 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 के काम बता दिए। पहला है सेंसरी न्यूरॉन जो आपके शरीर के अंगों से सूचनाओं को आपके ब्रेन तक लेकर के जाता है, दूसरा है मोटर न्यूरॉन जो आपके ब्रेन से सूचनाओं को वापस शरीर के अंगों तक लेकर आता है, ठीक है। और इन दोनों न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम कौन करता है, इंटरमीडिएट न्यूरॉन करता है। लिख लेना भैया, इंटरमीडिएट न्यूरॉन क्या करता है, जो सेंसरी न्यूरॉन है, जो मोटर न्यूरॉन है, जो सेंसरी न्यूरॉन है और जो मोटर न्यूरॉन है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, ये इंटरमीडिएट न्यूरॉन करता है या इंटरन्यूरॉन करता है। बोलो यहां तक किसी को प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब भैया इस तंत्रिका कोशिका की संरचना कैसे होती है, तो कुछ इस तरीके से होती है। अब आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि भैया क्या इस तरीके से होती है क्या वास्तव में, देखो मैं इसके कार्य बताता हूँ आपको, संरचना बना करके बताता हूँ तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया, अब ध्यान से समझ लेना मेरी बातों को क्योंकि काम की चीजें हैं। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो अभी है भैया, है कि नहीं। अब देखो भैया, जब आप न्यूरॉन की संरचना देखोगे, तंत्रिका कोशिका की संरचना देखोगे तो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। मैं इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो ये एक्सोन वाला भाग होता है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के समान एक नली होती है, आप इस तरीके से कह सकते हो। इसका आगे का वाला भाग इस तरह का होता है, ये आगे वाला भाग है भैया, और इस आगे वाले भाग को क्या कहा जाता है, यहां से लेकर के इस जगह तक का जो भाग है उसे कहा जाता है डेंड्रोन। क्या कहा जाता है, डेंड्रोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, डेंड्रोन कहा जाता है। इस डेंड्रोन के बीचों बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ये क्या है, केंद्रक है। और इस केंद्रक के चारों ओर निचल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, निचल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, नेजल्स के कण होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन यहां से ही आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किस प्रकार की कोशिका का संबंध इस नेजल्स ग्रेन्यूल से, तो किस प्रकार की कोशिका का संबंध है, तंत्रिका कोशिका का संबंध है भैया, तो इतनी बात याद रखना है कि नहीं। ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ये नेजल्स ग्रेन्यूल्स क्या बनाने का काम करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ये जो डेंड्रोन वाला भाग है जिसमें ये जो शाखाएं आपको दिखाई दे रही है, इन शाखाओं से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन शाखाओं को क्या कहा जाता है, इन शाखाओं को कहा जाता है डेंड्राइट। क्या कहा जाता है, डेंड्राइट कहा जाता है। और इस डेंड्राइट का काम होता है सूचना को ग्रहण करना, सूचना को ग्रहण करना। और ये आपके पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तंत्रिका कोशिका का वह भाग कौन सा है जो सूचनाओं को ग्रहण करता है। यकीन मानिए जितना हो सके उतना याद कर लेना, पहली चीज तो आपको ये याद करनी है। मैं आपको तीन चार चीज बताने वाला हूँ, वो चीजें याद कर लेना क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से ही पूछे जाते हैं।
तो सूचनाओं को ग्रहण करने का काम कौन करता है? ये डेंड्राइट करता है भैया। सूचनाओं को ग्रहण करने का काम कौन करता है? ये डेंड्राइट करता है। सूचनाओं को ग्रहण करने का काम कौन करता है? डेंड्राइट करता है। ये आगे वाला जो भाग होता है उसे डेंड्रोन कहा जाता है। डेंड्रोन में जो शाखाएं निकली हुई होती है उसे डेंड्राइट कहा जाता है। डेंड्राइट क्या करता है? सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करता है। किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए भैया, दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी, नेजल्स ग्रेन्यूल्स किस प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं? तंत्रिका कोशिका में, न्यूरॉन की संरचना में पाए जाते हैं, जिनका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। यहां से लेकर के ये वाला जो भाग आपको दिखाई देता है, इस वाले भाग को कहा जाता है एक्सोन। ये वाला भाग एक्सोन है, आगे वाला भाग डेंड्रोन है। इस आगे वाले भाग को सेल बॉडी या सोमा भी कहा जाता है, इस बारे में भी आपको ध्यान रखना। तो ये बीच वाला जो नलीनुमा जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, यहां से लेकर के यहां तक, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? एक्सोन वाला भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सोन वाला भाग। इस पर प्रोटीन की एक परत होती है भैया, जो इस एक्सोन वाले भाग को सूचना देने का काम करती है। वो किस तरीके से होती है? जैसे कि एक यहाँ पर हो गई, एक यहाँ पर हो गई, एक यहाँ पर हो गई और एक यहाँ पर हो गई। मैंने कुछ इस तरीके से बना देता हूं ताकि आपको अलग से दिख जाए। चलो मैं ऐसे ही बना देता हूं उसको सारे के सारे। अब ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, प्रोटीन की बनी हुई संरचना, इस संरचना को कहा जाता है भैया माइलिन शीथ। क्या कहा जाता है? माइलिन शीथ कहा जाता है। और इस माइलिन शीथ में एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, यानी कि माइलिन शीथ जो बना हुआ होता है वो एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। इस कोशिका को कहा जाता है स्वान सेल। क्या कहा जाता है? स्वान सेल कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? और इन माइलिन शीथ के बीच में ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, इस खाली जगह पर एक प्रकार की इस तरीके से गांठ होती है, आप कह सकते हो नोड होता है। इस नोड को कहा जाता है, इस रिक्त स्थान में जो गांठ होती है इसे कहा जाता है नोड ऑफ रणवीयर। रणवीयर का नोड कहा जाता है मेरे भाई इसको। और ये रणवीयर का नोड क्या करता है? सूचनाओं को गति देने का काम करता है। ये क्या काम करता है? ये सूचनाओं को गति देने का काम करता है। ये सूचनाओं को गति देने का काम करता है। जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको लिखवा रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है न्यूरॉन की संरचना के बारे में तो आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर के देख लेना भैया। यहाँ पर मैं उतना आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ये भी पढ़ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। इतनी बात क्लियर? किसी को प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होगी। अब देखो लास्ट वाला जो भाग होता है ना यहाँ पर, ये वाला, तो ये लास्ट वाला भाग होता है, इसे कहा जाता है एक्सोन टर्मिनल। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एक्सोन टर्मिनल। ये जो एक्सोन का अंतिम भाग होता है उसे कहा जाता है एक्सोन टर्मिनल। और ये जो आपको शाखाएं दिखाई दे रही है, इन शाखाओं पर भैया दूसरा न्यूरॉन आकर के जुड़ता है। तो दो न्यूरॉन जिस जगह पर जुड़ते हैं उसे कहा जाता है सिनेप्स। ये जो सिनेप्स याद रखना भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिनेप्स, ये सिनेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वह जगह है जिस जगह पर दो न्यूरॉन आकर आपस में जुड़ते हैं। इसके पीछे ये जो आपको ये तंतुनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है, इस जगह पर एक और न्यूरॉन से ऐसा कैसा ही न्यूरॉन आकर के जुड़ेगा। तो दो न्यूरॉन के बीच वाला जो रिक्त स्थान होता है, बीच का जो गैप होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। मैं लिख देता हूं यहाँ से, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो न्यूरोन के बीच का रिक्त स्थान है। दो न्यूरॉन के बीच का, दो न्यूरॉन के बीच का रिक्त स्थान है। बस इतना याद कर लीजिए भैया, आपका काम हो जाएगा। बीच वाला यहां से लेकर यहां तक जो होता है ये होता है एक्सोन। इस एक्सोन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोटीन के परत होती है, माइलिन शीथ कहा जाता है। इस माइलिन शीथ में किस प्रकार की कोशिका होती है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होती है स्वान सेल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से किस प्रकार की कोशिका में स्वान सेल देखने को मिलती है, या तंत्रिका कोशिका के किस भाग में स्वान सेल आपको देखने को मिलती है? तो भैया एक्सोन वाले भाग, माइलिन शीथ में पाई जाती है। और इसके बीच का जो गैप होता है उसे कहा जाता है नोड ऑफ रणवीयर, जो सूचनाओं को गति देने का काम करता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है डेंड्राइट से।
उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है सिनेप्स वाले भाग से, और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्वान सेल से भी पूछा जा सकता है, नोडोक्रैनियल से भी पूछा जा सकता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, नेजल स्क्रैनियल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोटी मोटी चीज मैंने आपको बता दी है, जो चीज आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा चीज आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है भैया, बस इतना याद कर लो कि आपका काम हो जाएगा। अब इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं, तो ये किस प्रकार की कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है, तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं, आ गया यहाँ तक समझ में आपको, ओके भैया आगे चले। ओके देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि सिनेप्स वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका डॉट आवेग गुजरता है। सिनेप्स के बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया है, पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर एक कहता है कि एक उपकला कोशिका से दूसरी तक, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि से दूसरी तक, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 15/2/2021 को, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी भी मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे कि मान लीजिए ये आपकी एक तंत्रिका कोशिका है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने वैसे ही बना दिया, चलो अच्छे से बनाते हैं यार। देखो जैसे कि मान लीजिए ये एक तंत्रिका कोशिका है, ये क्या है, एक तंत्रिका कोशिका है, और भैया दूसरी में यहाँ पे बना देता हूँ ये तंत्रिका कोशिका, भाई दूसरी एक यहाँ पे बना देता हूँ मैं तंत्रिका कोशिका। देखो मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाला जो हिस्सा होता है ये एक्सोन टर्मिनल होता है, ये एक्सोन टर्मिनल होता है, ये वाला लास्ट वाला हिस्सा ये वाला, लेकिन इसके अंत वाला जो ये क्षेत्र आपको दिखाई देता है ये होता है सिनेप्स। ये क्या होता है, ये होता है सिनेप्स, जिस जगह पर दो न्यूरॉन आपस में आकर के जुड़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो आपको ये जो चीजें दिखाई दे रही है ये चीजें आगे जाकर के ये वाले जो न्यूरॉन है इसके जो डेंड्राइट वाला हिस्सा है इससे आकर के जुड़ती है, तो दो न्यूरॉन के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है सिनेप्स क्षेत्र। अब यह सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा रहा है, तो भैया यहाँ पर जो सूचनाएं हैं, यहाँ पर जो आवेग है वो सिनेप्स की सहायता से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचेगी। तो मैंने आपको यही तो बताया था कि ये सूचनाओं को, कहने का मतलब कि ये एक न्यूरॉन और दो न्यूरॉन के बीच का गैप वाला क्षेत्र होता है सिनेप्स क्षेत्र, इसी क्षेत्र से होते हुए जो सूचनाओं का आवेग होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। आज हम यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा काम आ चुका है, वैसे 27 मिनट की क्लास हो चुकी है, कुछ इंपॉर्टेंट सूचना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा है कि इस चैप्टर की 4 क्लास हो चुकी है, 5वां लेक्चर है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पिछली 4 क्लासों का जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में प्ले लिस्ट अभी है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच के नाम से, उसमें आपको मिल जाएगा। देखो जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच वह बैच है जिसकी शुरुआत 1 फरवरी से होती, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्री सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं चैप्टर 1। जूलॉजी समाप्त होने वाली है भैया, सारे चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं, सिर्फ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बचा हुआ है तो वो भी हम आपको करवा देंगे, और उसके अलावा आपकी बोटनी बची हुई है, रेलवे में तो बोटनी बहुत कम पूछी जाती है, तो प्रॉपर से पढ़ाने वाले हैं, प्रॉपर से तो नहीं, जितना आपके एग्जाम में पूछा गया है उतना हम आपको बताएंगे, उतने ही सारे के सारे क्वेश्चन करवाएंगे जैसे जियोलॉजी में करवाए हैं वैसे। तो आपके एग्जाम के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, इतना बस हमारी गारंटी है, बस आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, रोज की 30-35 मिनट की क्लास ले लीजिए, आपका बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। इतनी बात क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम आता है बिल्कुल नहीं चाहिए। तो पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी जनशताब्दी एक्सप्रेस वेज की तो जाकर के देख लेना भैया, 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, टेक्निशियन हो, आरआरबी हो, आरपीएफ हो, कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी क्वेश्चन मैंने इस वेज में करवाए हैं आपको। पिछली 4 क्लास नहीं देखी तो जाकर के देख लेना, इससे पहले मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर करवाया था, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उसको भी जाकर के देख लेना, उससे पहले मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ये जाकर के देख लेना, मजा आएगा, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा सुबह 6 बजे, दिन में 12 बजे और शाम 6 बजे मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के अच्छे अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, जिससे क्या होगा जैसे ही आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करोगे तो भैया वहां पर आपको क्वेश्चन याद आ जाएगा।
आप में से जब कम्युनिटी क्वेश्चन में क्वेश्चन डालता हूँ तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चनों का आंसर देते हैं और वो ये भी कहते हैं कि भैया चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाला करो। तो आज से मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन डालना स्टार्ट कर दिया। आज मैंने कोशिका वाले चैप्टर के 3 क्वेश्चन डाले हैं। जब तक कोशिका वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो आपसे रेलवे में नहीं पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन नहीं डाल लेता। उसके अलावा मैं आप भैया कहने का मतलब आगे किसी दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन नहीं डालूंगा, प्रेसरी के क्वेश्चन नहीं डालूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालूंगा। और कल सुबह का जो क्वेश्चन है, सुबह 6 बजे वाला क्वेश्चन, वो इतना शानदार क्वेश्चन है, नीट लेवल का क्वेश्चन है और नीट का ही क्वेश्चन है भैया। तो देखना और उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। ठीक है, ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तंत्रिका कोशिका से संबंधित आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी है, नोट कर लेना। अगर आपने तंत्रिका कोशिका पर्सनल नहीं पढ़ी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तंत्रिका कोशिका की संरचना का, जाकर के देख लेना उसके कौन कौन से भागों का क्या क्या कार्य है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, मजा आ जाएगा भैया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास पहुंचे। बाय बाय।